लोग मुझे पूछ रहे सर कैट की जर्नी करनी है कि नहीं करनी। एक तो मैं बात बता दूं, मैंने कल एक बात पढ़ी, मजा आ गया यार। इन दिस एंटायर जर्नी ना, फाइनल गोल ना कुछ भी नहीं है। कोई भी जर्नी में हम जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, माउंटेन चढ़ रहे हैं, माउंटेन चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ोगे तो यू विल टेक अ डीप ब्रेथ एंड सी वाओ ब्यूटीफुल, वर्थ द व्यूज, यू विल से टू योरसेल्फ आफ्टर 5 मिनट्स, यू आर लाइक ओके बस यही था क्या, मतलब 2 दिन चढ़ चढ़ के आए। तो जब तुम कैट क्रैक कर भी लोगे ना यार, एंड में तुम आयम पहुंच जाओगे ना, यू विल फील लाइक अच्छा यही था क्या यार, ये इतना प्रेशर, इतना ये इसके लिए मतलब जिंदगी जी रहे थे। हाँ जब पैकेज मिलते अलग होते, जब तुम पहुंच जाओगे सो यू नॉट गोना एंजॉय द फाइनल गोल एवर, ठीक है, यू नॉट गोना एंजॉय द फाइनल गोल एवर इन योर लाइफ, कम वर्ड में यू गोना एंजॉय द जर्नी। तो जो जर्नी है ना यार, इसको एंजॉय करो यार, इसको एंजॉय करो बस, और मजे करो इसको, टेंशन मत लेना, टेंशन लिया तो बेकार, आगे जाके टेंशन ही लाइफ में। तो वेन यू गोना अराइव क्या होगा, आई वाज एट 50K फॉलोअर्स 2 साल पहले, वी आर एट 260K फॉर वाओ, उस समय मैं सोचता था वाओ, मेडिटेशन करता था मैं, ओ 260K हो गए, अब 300 पहुंच के होगा, ओके क्या ये समझ आ रही। हाँ रिजल्ट्स मुझे इंस्पायर करता है, 2,250 जो बच्चे आर्म्स क्रैक करते हैं, जब थैंक यू बोलते हैं, लव फॉर उदयपुर करते हैं, वो तो बहुत मजा आता है। तो इन्जॉय करिए इसको।